नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। वक्त है खबर फटाफट का। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाए उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन ले। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627। झांसी के नरिया बाजार में 10 मिनट की ही बारिश में भर जाते सड़कों पर नाले, आवागमन में होती है भारी परेशानी। नगर निगम कर्मचारियों की सुस्ती से मानसून से पहले नहीं साफ किए गए नाले। बाजार में बैठे व्यापारी व आने जाने वाले लोग होते हैं परेशान। झांसी में पुलिस ने पकड़े 4 फर्जी परीक्षार्थी। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में हो रहा था फर्जीवाड़ा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपी दे रहे थे दूसरे व्यक्ति की परीक्षा। मऊरानीपुर पहुंचे सांसद अनुराग शर्मा, व्यापारी वर्ग से की मुलाकात। मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पर पुस्तक की भेंट। गिनाई मोदी सरकार के 9 साल के काम, मगर क्षेत्रीय समस्याओं पर जवाब नहीं दे सके सांसद अनुराग शर्मा। झांसी में चोरों का देर रात रेकी करते हुए वीडियो हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं सवाल। बड़ागांव गेट बाहर अन्नपूर्णा कॉलोनी का है वीडियो। रेकी करने के बाद चोरों ने एक चोरी की घटना को भी दिया था अंजाम। बबीना खैलार गांव में अमृत सरोवर योजना बनी क्षेत्रीय वासियों के लिए मुसीबत का सबब। अधूरा काम होने से आसपास के घरों में भर रहा है बरसात का पानी। घरों में पानी भरने से क्षेत्रवासी हैं परेशान, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। मऊरानीपुर से अजीबोगरीब मामला आया सामने। माँ और पत्नी ने नशेड़ी युवक पर लगाए गंभीर आरोप। 5 बेटियों का बाप नशे में कर बैठता है कुछ भी हरकत। बीते रोज मां के साथ की थी बदतमीजी, पुलिस ने की कार्यवाही। मऊरानीपुर में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने तहसील प्रांगण में किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। विद्युत कटौती पर खड़े किए गए सवाल, ग्रामीणों और किसानों की रखी बात। झांसी के गुड़सराय में वार्ड नंबर 18 कटरा मोहल्ले में पेयजल की किल्लत से परेशान है लोग। आज महिलाओं ने खाली बर्तन सड़क पर रखकर प्रशासन का जताया विरोध। बताया कि 1 महीने से नहीं आ रहा टंकी में पानी, पेयजल की भी हो रही भारी समस्या। बवीना छावनी परिषद में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, 20 लोगों ने किया महादान। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बताया कि रक्तदान से नहीं होती कोई परेशानी, लेकिन आपके द्वारा किया गया रक्तदान बचा सकता है किसी की जान। झांसी के संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार व लोकतंत्र सेनानी राम सेवक करजड़िया का हुआ भव्य सम्मान। वरिष्ठ पत्रकारों को समाज सेवी संदीप सारंगी ने बताया महान व्यक्तित्व। माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। ललितपुर मेहरौनी राजमार्ग स्थित ग्राम चिल्ला के पास सड़क पर गिरा विशाल वृक्ष। सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया भारी भरकम पेड़, तब जाकर हुआ यातायात शुरू। ललितपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। ग्राम पनारी में ग्राम सभा की जमीन पर भूमाफिया अवैध तरीके से कर रहे थे प्लॉटिंग। SDM अमित कुमार और CO सदर ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर चलाया बुलडोजर। जालौन में विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनमैन को लगा करंट। शटडाउन लेकर विद्युत पोल पर चढ़कर कर रहा था फॉल्ट ठीक, तभी अचानक तारों में दौड़ गया करंट, पहुंचा अस्पताल।
शुरुआती दिनों में ही हुई बारिश से सब्जियां हुई महंगी, महंगे टमाटर ने बिगाड़ दी थाली का स्वाद। 100 रुपए किलो टमाटर के साथ अन्य हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े। जालौन पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा के 9 साल बेमिसाल पर दिया बड़ा बयान। बोले, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने नहीं किया कोई काम, बल्कि बढ़ गया है अपराध का ग्राफ। 2024 में महागठबंधन हराएगी बीजेपी को। जालौन में फिर देखिए एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही। कई फोन करने के बाद भी जब नहीं मिली एम्बुलेंस तो ठेले पर ले जाया गया घायल मरीज। खबरें अब मध्य प्रदेश से। टीकमगढ़ को मिली मेडिकल कॉलेज की मंजूरी। 260 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री को दिया धन्यवाद। ओरछा के जंगल में मौज मस्ती करने गए युवक युवती फंसे बेतवा की बाढ़ में। अचानक आए बारिश के पानी से टापू में फंसे। आज बोटिंग क्लब के लोगों ने देखा तब रेस्क्यू चलाकर बचाया। झांसी से एंजॉय करने गए थे युवक युवतियां। छतरपुर के विजावर विधानसभा से टिकट की दावेदारी करने वाले कांग्रेसी नेता राजकुमार शर्मा की बेटी ने लगाए गंभीर आरोप। पिता ने बेटी की उम्र की युवती से किया विवाह। बेटी ने कहा कि जो अपनी पत्नी और बेटी का ना हुआ वह जनता का कैसे होगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर कार्रवाई न होने के चलते पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई की उठाई मांग। मंडल अध्यक्ष पर पत्रकारों को धमकी देने व मारपीट करने का है आरोप। छतरपुर जिले के गांव भगवा में बंद पुलिया और सीसी रोड निर्माण कार्य में हो रही भ्रष्टाचारी। कछुए की गति से चल रहा निर्माण कार्य। गुणवत्ता को लेकर ईई भी लगा चुका है फटकार, लेकिन नहीं सुधार रहा ठेकेदार। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें खबर फटाफट पे। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए न्यूज वीके के साथ। नमस्कार। जीवन के सपनों को करे साकार। बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन ले। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627।